हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मैंने मॉर्निंग में गाइस ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो दिन भर मेरा बिजी शेड्यूल रहा क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था, वहाँ पे विजिट करना था और देखना था कहाँ पर क्या कैसे चल रहा है। आईटीआई कॉलेज में जाना था, तो वहाँ से मैं जस्ट होकर आ गया, तो खाली था तो मैं सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए। तो मस्त आ गया इधर खेत में, और इधर गोभी की कटिंग हो रही है पीछे की साइड, और अब इधर चलते हैं। इधर जस्ट देखिए स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय, और इधर सामने की तरफ। तो गाइस गोभी की कटिंग कर रहे हैं भैया, और लक्की गोभी को ला रहे हैं, और इधर गोभी की तोड़ाई की जा रही है छोटू भाई और मोनू भाई। इसका बीज बहुत ही दुर्लभ तरीके से प्राप्त होता है, उसके बाद जो है उसके उपजाऊ के लिए उसमें खाद वगैरह जैविक खाद डाली जाती है गोबर की, और बहुत ही अच्छे तरीके से पैदावार हुई है। देखिए इसमें कितने गोभी लगे हुए, देख लीजिए। ये भैया जी बता रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कितनी सारी गोभियाँ लगी हैं एक पेड़ में। ये पंचमुखी गोभी है, और ये बहुत दुर्लभ पाई जाती है। ये हमारे खेत में मिली है, इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, ऐसी भी गोभी होती हैं। और कस्टमर आए हुए हैं इस समय, सामने की तरफ देख रहे हैं सरसों को, सरसों के खेत में पीले पीले फूल लग गए हैं, इधर मस्त लग रहा है काफ़ी। अब इतनी सारी इसमें गोभी लगी हुई हैं, तो सारे गोभी तो खा नहीं सकते, तो बेचने के लिए ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने मतलब शाम को ही गोभी की कटिंग हो जाती है, और उसके बाद इसको खांची वगैरह में भर के बोरे में मंडी भेज दिया जाता है सुबह। उसके बाद फिर मंडी से फिर वहाँ पर जो मतलब कि मार्केट में, लोकल मार्केट में जो सब्जियाँ बेचते हैं वो लोग आकर वहाँ से मंडी से ख़रीदते हैं, उसके बाद फिर इसे ले जाकर लोकल मार्केट में सेलिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सबके पास आसानी सब्जी उपलब्ध हो जाती है। तो लेकिन इसमें ये जो सब्जी उगाना काफ़ी हार्ड वर्क होता है, और आप लोग को दिखा नहीं पाया हूँ कि कितना यहाँ पर वर्क होता है। धीरे धीरे अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ेंगे तो आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा क्या कैसे कितना हार्ड वर्क होता है यहाँ पर, कितना लोग मेहनत करते हैं तब जाकर सब्जियाँ उगती हैं। इनको समय समय पर पानी, खाद, दवा सारी चीज़ें देनी पड़ती है। भाई जी इतनी बड़ी बड़ी गोभी है, लकी भाई आ गए, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जो आजकल काम नहीं कर रहे हैं। लकी बता दो अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा। चैनल तो वर्क नहीं हो रहा है, चैनल एकदम डाउन हो गया, बताए क्या। और ये पहले काम करते थे इसलिए इनका चैनल ग्रो कर रहा है। काम किए, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा लिए हैं, अब करने का मन ही नहीं करता। वीडियो 2-3 महीने होंगे वीडियो अपलोड किए हुए, अपलोड नहीं चल रही। तो फिर भी लकी काम करेगा बाद में, अभी पढ़ाई कर रहा है ना इसलिए थोड़ा बिजी रहता है। तो गाइस चलते हैं उस दूर वाले खेत पे, वहाँ पर है, तो वहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं। तो और इधर देखते हैं सनसेट होने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये पीछे के साइड स्कूल है, प्राइमरी विद्यालय, जहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते थे। तो स्टार्टिंग की पढ़ाई हमारे गांव के सभी लोगों की यहीं पर होती है। तो गाइस इस तरफ भी पूरा देख रहे हैं हरियाली है, पूरा पालक, प्याज, गोभी, और इधर भी गोभी लगी है, बंद गोभी और फूल गोभी भी है। आप लोगों को बंद गोभी दिखा देते हैं, तो इधर दिखाते हैं आप लोग, मस्त लग रही है बंद गोभी। वाह काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, देखते हैं कितना मस्त लग रहा है भाई, एकदम मस्त आ रहा है। एक एक देखो लाइन से लगी हुई हैं, और ये अभी कुछ दिन में जब बड़ी हो जाएंगे तब देखने में और भी सुंदर लगेंगे। तो गाइज हम खेत में आ चुके हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर सब टमाटर लगे हुए हैं लाइन से, ये पूरे खेत में उधर तक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम का समय हो चुका है, लगभग 5:30 हो चुके हैं, और इस तरफ ये सरसों लगा है, और पूरे में सरसों है, फूल आ गए हैं इसमें, और उधर भी सरसों है, इधर टमाटर है। तो अभी मैं खेत में टहल रहा था, मुझे एक टमाटर दिख गया पका हुआ, ये देख सकते हैं गाइस। अभी मैंने खेत का पहला टमाटर तोड़ लिया, अब इसे ले चलते हैं घर। और इसमें अभी काफ़ी सारे फूल लग रहे हैं, कुछ दिन में बहुत सारे फल लग जाएंगे, और फिर ये सब पूरा जो गैप है ना सब भर जाएगा, उसके बाद मस्त टमाटर ही टमाटर, टमाटर ही टमाटर। फिर इधर खेत की जुताई चल रही है, ट्रैक्टर है, अब उधर चलते हैं। तो गाइस मैं फंस गया, मेरा चप्पल उसमें जा रहा है मिट्टी में, क्योंकि सिंचाई रखी ना नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद घूमने का मौका मिला, क्योंकि जब ये टमाटर लग रहे थे ना मैं यहाँ पर था, फिर निकल गया था मैं कानपुर, तो आजकल उधर ही कानपुर नगरी में ही हूँ, तो ब्लॉग्स डेली आ नहीं पाते हमेशा। तो मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जाता रहें कंटेंट, ताकि आप लोग देखते रहें
और इधर मस्त सरसों, कुछ दिन बाद इनकी कटिंग होगी तब भी ब्लॉक आएगा। और इससे खेती करना बिल्कुल मतलब कि आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है, आपको मेहनत तो बिल्कुल नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए मेरा गांव है, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है इस समय, गांव में चारों तरफ हरियाली फैल रखी है, मस्त लग रहा है।